ओके हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। इकरे पॉइंट नीट चैनल लाइव हो चुका है और आप सबके लिए आज जो मेंटी है वो एक मेगा मेंटी है। क्यों मैम? मेगा मेंटी इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि आज मेंटी वॉर होने वाला है, तो मेरी तरफ से भी सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग और ऑल द बेस्ट आज के मेंटी के लिए, क्योंकि आज टीम्स बनने वाली है और टीम्स में फाइट होने वाली है। और आज का दिन भी मैम आज जन्माष्टमी है ना। yes. तो एक तो सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ के साथ आज की जो मेंटी है ना, इस मेंटी के अंदर भी आपको फुल ऑन चार्ज्ड अप रहना है क्योंकि आज पूरे मेंटी में 11th के फुल सिलेबस को हम रिवाइज करेंगे। हमने यूनिट 1 कर लिया मैम, यूनिट 2 कर लिया, 3, 4 एंड 5, अब 5 यूनिट्स और उसकी एक भारी भरकम सिलेबस एक साथ आने वाला है। सब भारी भरकम उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ा नहीं। Yes. हमने तो एक एक यूनिट करके पढ़ाया है, उसके प्रैक्टिस कराया है, तो हमारे लिए तो बहुत लाइट, मतलब हमारे जो बच्चे यहाँ से बिल्कुल अगर हाँ जैसे इन्होंने जिस तरीके से हमने एक प्लानर दे रखा है कि यूनिट 1 यूनिट 2, तो उनके लिए तो सच बात है कि ये एक रिवीजन टाइम है, मतलब जो छोटी मोटी गलतियां हो गई थी 5 यूनिट्स के अंदर वो सुधारने का मौका। अच्छा मैम, यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं, जैसे प्रिंस कह रहा है कि सर अपनी ये और मैम आप अपने अपने टीम को चुन लें। ओके तो बिल्कुल आप बता दो जल्दी जल्दी से कि कैसे कैसे आप सभी टीम में आए हो। कि मैं हमने पहले भी आपको कहा था कि आप अपनी टीम डिसाइड कर लेना, हम लोग भी यहाँ पर मेंटी खेलेंगे, यहाँ पे मेंटी कैसे खेलेंगे तो हम देखेंगे हमारी टीम जीत रही है या हार रही है। तो लेट्स वी विल स्टार्ट द मेंटी। मेंटी को ज्वाइन करने के लिए पिन आपके पास है और साथ पिन किया हुआ मैसेज आपके पास है और उसमें लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, मेंटी में पार्टिसिपेट कीजिए। कोड आप यहां भी देख सकते हैं और वहां भी है ना, तो आपके पास दोनों चीजें हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज यू कैन सी अ ऑल इंडिया ओपन टेस्ट है ना। तो इसमें अगर अब तक आपने रजिस्टर नहीं करा है, कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया या आपके दोस्तों ने नहीं किया है तो आप उनको बताइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करें और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट के अंदर एनरोल हो जाओ है ना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पैटर्न आपको मिल रहा है। और इसमें आपको पता ही है कि यहां पे दो पेपर्स हैं, कल एक और पेपर है, देख लो 31 अगस्त से को ये 12 PM पर एक और पेपर लाइव हो जाएगी, तो जल्दी से इसमें एनरोल हो जाइए। 25 रुपीज में दो फुल सिलेबस पेपर्स आपको मिल रहे हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग मिल रही है। चलिए यार, इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता, इतना अच्छा तुम लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ रिविजन यूनिट वाइज भी चल रहा है, फिर पूरे कोर्स का रिविजन भी चल रहा है, साथ में ऑल इंडिया टेस्ट देने को भी मिल रहा है, सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज में यहीं पे मिल रहा है ना। यस। और दूसरी चीज गाइज, आज तो मेंटी वॉर है, मतलब मेंटी मैनिया का एक बड़ा दिन है, मेंटी वॉर है, तो ये जो शेयरिंग हो रही है मुझे अच्छी नहीं लग रही है यार, शेयरिंग हो ही नहीं रही है। तो गाइस ये सारी वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाओ, आज चैलेंज दो अपने फ्रेंड्स को कि देखते हैं वो जीतते हैं या तुम जीतते हो, तो सभी को बुला लो फटाफट से, शेयरिंग बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ और कमेंट में हमको ये बताओ किसकी टीम में कौन है। ठीक है सर? बिल्कुल, टीम डिवाइड करेंगे अभी जैसे ही ये चैट में बताएंगे कि हमें टीम, जैसे अभी मैं बहुत सारे नाम मैं देख रहा था आपके लिए, बहुत बड़ी टीम बनती जा रही थी तो बहुत ही बढ़िया बात है। और देखो पहले तो ये आप तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ क्योंकि आज के मेंटी में भी क्वेश्चंस का लेवल वही आपके जो नीट लेवल है ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल हम यहाँ पर मेंटी करेंगे, आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि टेस्ट कैसे देंगे, अगर इसके बारे में पूछ रहे AIOT के लिए, तो टेस्ट के लिए आप जैसे रजिस्टर हो जाएंगे ना, आपको सपोर्ट टीम कॉल करेगी और आपको सब सारी चीजें आपको वहां पर बता देंगी किस तरह से टेस्ट देना और किस तरह से आपको उसमें इनरोल होना है। ओके, और मैम यहाँ पे अमन कह रहा है मैं दोनों साइड से हूं और तेजस कह रहा है आई एम फ्रॉम विनिंग साइड, बहुत बढ़िया। ओके लेकिन मजा तब आएगा, आप जल्दी से बता दो, सिलेक्ट करो और यहाँ पर आप जब अपने नाम को भी फिल करो तो वहां पे ये लिख दो कि आप जिस टीम से भी, उससे क्या हुआ है कि हम भी देखेंगे कहाँ पे रैंकिंग चल रही है, लीडरबोर्ड पे किसकी टीम आज तहलका मचाने वाली है, मेरी या सर की टीम। यस मैम, मैम लगभग तो लग रहा है कि सभी अभी आप ही की टीम की तरफ चले गए हैं है ना। तो बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी आप रहिए किसी भी टीम से, लेकिन हाँ मेन है आज यार वो ग्राफ मैम, वो चाहिए अपने को क्योंकि मेहनत बहुत करा है हमने, 5 यूनिट्स आपको कंप्लीट कराए हैं और आज ग्राफ हम चाहते हैं आपसे कि आज तो 90% से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सभी बिल्कुल ये जाग जाएं, होश में खेलना है आज, बिल्कुल गलती करने का चांस नहीं है। ओके, सो अविनाश आप नए हैं यहाँ पे चैनल पे, सो वी वेलकम यू और आप मेंटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर आर सम पीपल्स हु वांट मी टू टेल इन इंग्लिश अबाउट द डिटेल्स, सो गाइस वी हैव पिंड अ लिंक इन द चैट बॉक्स of the mentee quiz which we are playing here today. Okay, so whoever wants to join this mentee quiz please click on the link, or if you cannot click the link then just go on to the Chrome,
type mentimeter.com and join the presentation using the code which is written in the chat box as well as on your screen. Yes. So, enroll yourself. और यहाँ पर मैम बिल्कुल बच्चे अभी यहाँ पे आ गए हैं शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो क्या चले अपन एक बार देखें मेंटी में पार्टिसिपेंट्स कितने आ चुके हैं और मेंटी शुरू किया जाए या नहीं किया जाए। तो मैम एक बार मेंटी तक पहुंचते हैं, मेंटी क्या कह रही है, कितने लोग अपने साथ जुड़ चुके हैं? नहीं सर अभी मुझे शुरू नहीं करना। ओके 16 ही होगा तब तक मैं शुरू नहीं करूंगी। ओके चलिए, आई एम न्यू हियर प्लीज टेल मी मैम, मैम बता दीजिए इन्हें क्या न्यू है। रोहन इज सेइंग आई एम न्यू हियर प्लीज टेल मी। ओके रोहन आप मेंटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ फुल 11th के सिलेबस का आज क्विज होने वाला है और मेंटी की जो लिंक है इट इज पिंड ऑन योर चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिंक पिन की हुई है, आप उस पर क्लिक करें और डायरेक्ट मेंटी का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है yes, यहाँ पे मैं ममता बोल रही है, मैं आपका नाम ही भूल गई हूँ। ओके तो मेरा नाम आप लिख लो आरके, है ना, याद रह जाएगा। ओके मैं आपका नाम क्या लिखूं, जो तुम्हें सही लगे आरके लिख लो, सिंपल है ना, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़े। ओके तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू जो जो सर की टीम में उनके लिए भी थैंक यू एंड जो मेरी टीम में उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और गाइस तुम्हारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, मेरी टीम जीतनी चाहिए। फटाफट अपने मेंटी में जो अपना नेम है उसके आगे आपके टीम लीडर्स का नाम लिख लो, यानी कि मेरा या सर का, जिसकी भी टीम में आप हो, ताकि हम लोगों के लिए रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाए। और मैम यहाँ पे अमन बहुत ही बढ़िया बात बोल रहे हैं, आरके सर की गड्डी में बैठा हूँ, एजे मैम की साइड हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत क्रिएटिव माइंड्स मैम, देखो यहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिविटी आती रहती है। चलिए मैम देखते हैं क्या मैम कर दिया इन्होंने आप, बिल्कुल देखो मैम की बात मान रहे हो, बहुत ही बढ़िया। और मैम ये भी तो कहती है ना कि एनसीईआरटी ढंग से पढ़िए, तो फिर मान लीजिए कि एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो मैम लेट्स स्टार्ट टुडेज मेंटी, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ला दिया जाए। बिल्कुल सर मैं शुभारंभ करती हूं। हाँ बिल्कुल मैम करें आप, वैसे भी आज जन्माष्टमी है, आज तो बिल्कुल ये अच्छा करके दिखाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन या आपकी आंखों के सामने, है ना। द मोस्ट कॉमन कैरेक्टर फाउंड इन ऑल कोऑर्डिनेट्स इज, और ये जिसने भी गलत करा वो क्या करेगा, वो अपने सर को लेगा, सामने में एक दीवार लगेगी, आप उसमें जाकर के सर अपना मार सकते हैं, क्योंकि ये नहीं गलत होना चाहिए। सर की बातें काल्पनिक है, ऐसा सच में घर पे मत करना। हाँ ये डिस्क्लेमर भी जरूरी है, मत कर देना वरना पता चले कल मैं सेशन ही नहीं ले रहा हूँ, है ना, तो नहीं करना। ओके और आज टाइम की कोई कमी नहीं है, आज तो मतलब ऐसा कि आज तो किसी ने भी कह दिया ना कि टाइम के लिए, तो वो तो घर पे ओके मैम शुरुआत तो क्या बात है, 73%, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार शुरुआत हुई है। चलिए हैप्पी जन्माष्टमी के आज अवसर पे इतनी अच्छी शुरुआत जो हुई है, ये पिरामिड ही बनना चाहिए सर, ऊपर ऊपर ही। हाँ, आज बिल्कुल ऐसा कर लो कि एकदम आज ऊपर चलना है, आज 73%, तो आज मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, आज मटकी फोड़ के ही आना है, मटकी फोड़ के ऊपर ही टॉवर चाहिएगा, नीचे बिल्कुल बहुत ही, बिल्कुल बहुत ही शानदार, और करके दिखा दो आज, तो मैम फुल ऑन विश्वास है आज ये करेंगे, आज तो आज तो ये लग रहा है मूड में है, और बिल्कुल आज लग भी रहा है कि बिल्कुल चेक करके दिखाना है इन्हें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर, फास्टेस्ट आंसर करने का फायदा होता है, ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और करेक्ट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैम टाइम इसमें बहुत है। बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स फाउंड थ्रू आउट द हार्ट, मसल फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल्स, मसल फाइबर फाउंड इन वेंट्रिकल ओनली, नर्व फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेंट्रिकल। इतना टाइम है कि आंसर करने के बाद तो अपन बैठ भी सकते हैं 10-15 मिनट के लिए, कोई टेंशन ही नहीं है आज, तो मतलब गप्पे लगते रहेंगे। क्योंकि टाइम है। ओके जल्दी जल्दी तस्नीम क्या बोल रहा हूँ, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ, कैसे करें, लिंक दिख रही है ना, उस लिंक पे बस आराम से, ज्यादा जोर से टैप नहीं करना है, आराम से लिंक को क्लिक करिए, आप सीधे सीधे ज्वाइन हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अनुषा आई हैव रेड द क्वेश्चन इन इंग्लिश ओनली, या एंड द क्वेश्चन इज इन इंग्लिश ओनली, 48 क्या हो गया ये, मैं बताऊं कहां गलत हुआ है मैम इनका, नर्व फाइबर और मसल फाइबर में कंफ्यूज, क्योंकि ये क्या होता है ना, जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो उस चीज को पूरी तरह समझते नहीं है, जब ये पढ़ रहे होंगे कि हाँ ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुर्गेंजे फाइबर्स, तो इस बात को ध्यान ही नहीं रखते हैं कि नर्व फाइबर या मसल फाइबर्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, और यही पर आप करते हो गलत। ओके ये सबसे बेसिक बात है कि हार्ट में नर्वस सिस्टम का रोल जो है वो नेग्लिजिबल है, ऐसे नोड है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो कौन से नर्व फाइबर्स होंगे ये पहचानना, मतलब नर्व फाइबर्स होंगे या मसल फाइबर्स होंगे, वैसे ही हो जाता है, वही तो पता है, हार्ट मायोजेनिक है ना,
तो क्या इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। चलिए या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो बिल्कुल तैयार रहना क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद आएगा लीडर बोर्ड, है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो अपना नाम चाहते हो कि लीडर बोर्ड में आ जाए? आज मिरेकल बॉय भी आ चुके हैं खेलने। ओके कैसे हो सर, बता दो आप। पता नहीं यार, बस अभी तो आ चुका हूँ ये सेशन लेने, तो ठीक ही होगा, है ना, बिल्कुल सही हूँ। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीज इन मास, डेवलपमेंट, रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई और ग्रोथ। सर मेंटी वॉर में मैं चैलेंज कर रही हूँ, इसमें आप 100% आंसर सही होगा, 90 से 100 के बीच में ग्राफ आएगा। 90 से 100 मैम का आज पहला प्रेडिक्शन, पहला प्रेडिक्शन, आज पहला प्रेडिक्शन, लेट्स सी कि क्या होने वाला है। 3, 2, 1 टाइम इज अप, तो देखते हैं क्या हुआ है, क्या सच में मैम ने जो कहा वो सही हुआ। 85% मैम थोड़ा सा चूक गए क्योंकि किसी ने 12% भी कर लिया था, यानी कि उनको अभी भी लगता है कि ग्रोथ होता है तो लिविंग नॉन लिविंग से। अरे यार, तो मतलब इनके हिसाब से जो पहाड़ है, माउंटेन्स है, उनसे ये बात कर लेते हैं जाकर के, ये सारे लिविंग है। ये फिर वो भी सोचते होंगे कि जैसे नोट्स बनाते हैं तो कॉपियां धीरे धीरे मोटी होती चल जाती है ना, तो वो भी क्या हो गया, लिविंग हो गया। लीडर बोर्ड मैम, पहला लीडर बोर्ड, लेट्स सी क्या होने वाला है, या तो पता ही नहीं चल रहा कौन किस में है। ओके लेट्स सी क्या क्या होने वाला है। चलिए मैम, फास्टेस्ट आंसर करा आसिफ ने और टॉप पे है अविदा, सुदेशना इज देयर थर्ड, प्रिंस जैन नाम तो सुना होगा, सुन रहे हैं हम लगातार, है ना, निशा, प्रबलिका, प्रबलिका, आकांक्षा, डिफेंडर, शारांश, शारांश 2023 ये नीचे आज दिख रहा है मैम, एंड वैशाली यादव। नीचे से ऊपर जाना इसकी टेंडेंसी। ओके रहना सब लोग, चलिए बहुत ही बढ़िया। शाम्बवी गाइस, तुम लोगों ने नाम ही नहीं लिखा, हम कैसे फाइट करेंगे, हमें पता ही नहीं है हमारी टीम में कौन है। ओके प्रिंस बोल रहा है वो मेरी टीम में सर। अच्छा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, हाँ तो यहाँ पे यार ये भी बता दो हमें कि कौन किस टीम में, ताकि हम भी ये बात समझ सके। डिफेंडर इज ऑन 8th रैंक। ओके रोहन इट इज सेइंग डिफेंडर, हाँ बिल्कुल, अच्छा आप ही हो, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। शाम्बवी भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, यहाँ से देख कर आंसर कर रही हूँ, क्या करूँ, रिफ्रेश भी की। शाम्बवी आई होप कि आपके यहाँ जो नेटवर्क है उसमें प्रॉब्लम है, रीजन है कि बाकी बच्चे भी कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके चलिए, यशिका प्लीज यू कैन जॉइन द मेंटी बाय यूजिंग द लिंक व्हिच इज पिंड इन द चैट बॉक्स। ओके मैम, सुदेशना मेरी टीम में और सुदेशना थर्ड पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैं जीत रहा हूँ। यार ये दोनों लोग बता दो ये मेरी टीम में हो क्या। ओके अबीदा एंड आसिफ, मीत पटेल इज इन सर टीम, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही। मैम आमला इज इन योर टीम। ओके तो आमला आपके, आमला ही डिफेंडर है। ओके आमला डिफेंडर है। ओके 8th रैंक पे चल रही है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सभी शानदार कर रहे हैं। ओके 17th पर हूं, वेरी गुड शाम्बवी, 17th पे है, जल्द से आ जाइए, है ना, जल्दी से आ जाइए आप भी टॉप 10 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम कर दें, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना देखे आप बताओ प्रेडिक्शन। सर बिना देखे प्रेडिक्शन, इट इज 60 to 70, बिटवीन 60 to 70%। वन सेकंड मैम, ये एक सेकंड। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अनुषा आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम अगेन टेलिंग यू दिस, सो प्लीज कीप योर आईज ऑन द स्क्रीन्स, सो आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, इंग्लिश में बोला है पूरा है ना तो ध्यान रखना। चलिए निशा इज इन योर टीम। ओके बहुत ही बढ़िया, लेट्स सी, क्रिप्टोफाइट्स आर आल्सो नोन एज क्रिप्टोगैम्स, वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स, एम्फीबियस प्लांट्स और फेनेरोगैम्स, तो ये आपके पास जो है उसमें तो भाई साहब गलत नहीं होना चाहिए, है ना, कहीं भी कोई गलती नहीं। ओके मैम आप कैसे हो बता दो, तो मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, बहुत अच्छी है ना। ओके टेरिडोफाइट्स आर आल्सो नोन एज, 3, 2, 1 टाइम इज अप, और मैम ने कहा 70%, लेट्स सी कि मैम का प्रेडिक्शन सही आता है नहीं आता है। मैम आज मैंने बोला था 60 से 70%, मैम ने कुछ सेटिंग करवाई है कि आज बच्चों को बता देगा कि ऐसे ऐसे आंसर्स आ जाएंगे 60, मैम 60% सही है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया परसेंटेज मैम, थोड़ा सा लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्वेश्चन का लेवल वैसा नहीं था, 91% वाला क्वेश्चन था, 91 क्या 99 भी। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कुछ इसमें है ही नहीं है ना, क्रिप्टोगैम्स इसलिए क्योंकि सीड तो बनती नहीं इनके अंदर, और वैस्कुलर इसलिए क्योंकि यही तो पहले प्लांट थे जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज दिखे थे, इसलिए सक्सेसफुल लैंड प्लांट बन गए थे। बेचारा ब्रायोफाइट तो मैम लैंड तक आया लेकिन वापस जाना पड़ा, रीजन है कि उसके पास वैस्कुलर टिश्यूज अब भी नहीं आए थे, है ना।
रोहन रोहन बेटा मेंटी में ज्वाइन करके सर ये टारगेट का हमारा स्टूडेंट है। ओके यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखो यहाँ पे बहुत सारे जो है ना जो आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ समझदारी यहाँ पे आंसर देने में है ही नहीं है, समझदारी है मेंटी में आंसर देने का, क्योंकि वहां पे जब आप देते हो ना तो आप सोचो लीडर बोर्ड में आते हो हम आपका नाम बोलते हैं तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी सुन के समझते हैं समझदार तो है ये, है ना, तो वो समझदारी ज्यादा मजा आएगी, तो आप जाकर के मेंटी में आंसर करिए। ओके ओके सो गाइस ये लाइक्स बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, 100 का तो हमारा टारगेट हर बार होता ही है तो 100 तो अभी भी करने ही है। ओके सो अनुषा प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन गेट मोर 30 मोर लाइक्स। या नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन, बी रेडी, चमचमाती गाड़ी की फोटो के लिए एक क्वेश्चन और आ गया है है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन, अरे वाह, नंबर ऑफ बोन्स इन फेस आर 12 30 40 और 14। मैम टाइम तो इतना है कि ये तो बैठ के अपने फेस के बोन्स भी काउंट कर सकते हैं, है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो फेस के बोन्स काउंट कर लो बैठ करके, टाइम इतना दे रखा है हमने, 30 सेकंड्स का टाइम आ जाए आपके पास। ओके तो लेट्स सी क्या करने वाले हैं ये, रोहन इज ऑन 12th रैंक, रोहन फटाफट से बैकअप करो बच्चे और टॉप 10 में आओ, हां टॉप 10 क्या टॉप 3 में आओ, मैम की टीम में हो, मैम को जिताओ, अभी तो मैं जीत रहा हूं। ओके 3 2 1 अप, टाइम इज टाइम ओवर, और मैम देखो इस बार तो करा है इन्होंने 69% 61 से तो ऊपर गए हैं ये 69, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया 69%, तो ये सही आंसर 14 बोन्स होते हैं आपके फेशियल बोन्स में, तो ये आपको ध्यान रखना, प्लीज 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 रिप्लाई ऑन द मेंटी, मेंटी ज्वाइन करो, ज्वाइन द गेम एंड देन चेक योरसेल्फ वेयर आर यू स्टैंडिंग, व्हिच पार्ट इज मिसिंग, व्हिच पार्ट इज योर लेस प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। ओके देखो द बेस्ट थिंग इज कि यू हैव टू एनालाइज कि हाँ मेरा वीक पॉइंट कहां पे है, क्योंकि इसी तरीके से कर सकते हैं अपन, मैम 7:30 पे करने का मतलब भी यही है, क्योंकि हम इस टाइम पे इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या हो कि एक घंटे में आपको पता चल जाए कहां पे अभी भी मैं वीक हूं, अब रात में आप उसके लिए पढ़ लो, क्योंकि अब ना टाइम बहुत कम है, तो अपन थोड़ा सा तो टाइम मैनेज कर सकते हैं कि अपन टाइम का फेज थोड़ा बढ़ा लें और पढ़ाई कर लें, क्योंकि अब जो ये 10 दिन बचे हैं, क्योंकि मैं 10 दिन ही इसलिए काउंट कर रहा हूं क्योंकि लास्ट 2 दिन तो पढ़ाई नहीं की जाती है, ठीक है, एग्जाम के पहले पहले, तो आप तो अब बिल्कुल लग जाए कि हाँ यार अभी सब कुछ छोड़ देना है, सिर्फ अच्छी नींद, खाना प्रॉपर और ये पढ़ाई, ये तीन चीज अब होनी चाहिए, अब तो चौथे पांचवें चीजों में आपको जाना ही नहीं है, व्हाट माय पॉइंट, क्योंकि एक बार इतना कर लो फिर मेडिकल कॉलेज में जो जिंदगी होने वाली है ना वहां भी पढ़ाई करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना है, लेकिन वहां पढ़ाई मस्ती के साथ होगी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बी प्रिपेयर्ड, हिट 90% दिस टाइम, यस, क्योंकि इस बार आ रहा है सेकंड लीडर बोर्ड आएगा इस क्वेश्चन के बाद, तो लेट्स सी क्या होने वाला है। So question is the muscle band that remains unchanged during contraction and relaxation of the skeletal muscle is I band, H band, A band or Z line? Yes. तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको वैसे ही याद हो जाता है और आपको पता भी है कि एक ही यहां पर होगा ऑप्शन, जो कि वहां पे उसमें कोई चेंज आता ही नहीं है ना, तो आपको दिख रहा है आंसर और प्रॉपरली इसका आंसर कर देना बिना लैग का, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे छूटने भी नहीं चाहिए, नीट में इसलिए फुल मार्क्स आते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल ऐसे ही रहते हैं, तो टेंशन लेना ही नहीं अपने को, इसमें कहां पे गलती कर दी, अच्छा यहां पे आंसर गलत मेंशनड है, ओके ठीक है 2 मिनट में इसे करेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए वेट करें। यस 61% हैव ऑप्टेड इट करेक्टली एंड लीडर बोर्ड शो करने से पहले वी आर चेकिंग इट एंड वी आर करेक्टिंग दिस क्वेश्चन सो दैट देयर विल बी नो हिंडरेंस इन द लीडर बोर्ड। ओके लीडर बोर्ड पे कुछ भी गलत सलत रैंकिंग्स नहीं आएगी इस क्वेश्चन की वजह से, दैट्स व्हाई वी आर करेक्टिंग इट एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यस यस सी सी इज द करेक्ट आंसर वंदना, सी इज द करेक्ट आंसर, वी आर करेक्टिंग इट, वर्किंग ऑन इट, नो इश्यूज, टिल देन सब लोग फटाफट शेयर करो यार, मुझे लाइक्स पढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, 100 का हमारा टारगेट है। यस प्रिंस सही हो रहा है ऑप्शन, हम सही इनपुट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, नो इश्यूज, अभी क्लियर हो जाएगा एंड यू विल गेट योर रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द करेक्ट ऑप्शन ओनली। ओके चलो हो गया सही। ओके यस यू कैन सी इट हियर,
We have corrected it, and now the 61% of you have attended it correctly. मेरा quiz join करने में late हो गया. It's okay, Krishna. अभी ज़्यादा questions नहीं निकले हैं. You can easily come on the leaderboard. We are making it sure, and if there's some issue, then we are correcting it. या आज अगर किसी तरह प्रॉब्लम आएगा तो इंस्टेंटली उसे हम सही कर देंगे. लीडर बोर्ड में आज कोई परेशानी आएगी नहीं, है ना. तो जस्ट आप वेट करो, सब कुछ सही हो जाएगा. चलिए मैम, ये प्रिंस आज सर लीड में चल रहा है. हां बिल्कुल ऊपर. और सारांश भी जैसा आपने कहा था कि बाउंस बैक कर देता है, बाउंस बैक करा है. अबीदा मैम फास्टेस्ट आंसर एंड टॉप पे है. ओके, अपनी बोर्ड को बहुत तेजी से दौड़ा रही है ये. ओके, जतिन बंसल इज देयर, वेरी गुड. मीत इज देयर, आस्था जोशी, नाउ यू नो मी. ओके, ये तो जॉन सीना बने हुए. प्राउड टू बी इंडियन. ओके, नागराजू आज एजीएम टीम. ओके, बहुत बढ़िया. शाली एंड आसिफ को बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं ये लोग. सो सर अभी मैं जीत रही हूँ. हाँ बिल्कुल मैम, आपका मैम आपको जिता के रहेंगे. ओ माय गॉड, मैं आज तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई है. अरे यार, तो फिर बाकी सभी जल्दी से कुछ करो, मुझे भी जिता दो, है ना, जल्दी से. मैम के लिए तो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल लगा पड़ा हुआ है. और बाकी जो बच्चे हैं ना, मीत जल्दी से बकअप करो, टॉप पे आओ, है ना, और शानदार परफॉर्म करते रहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चेकआउट करेंगे कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद आप देखिए कि क्या है इसका आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर तो था ए बैंड, तो ए बैंड हमने करेक्ट भी कर दिया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th ऑन योर स्क्रीन, बी रेडी फॉर इट. And here's the question. Cell respiration is oxidative breakdown of glucose, which involves oxidations. The enzymes which catalyze the oxidation reaction during respiration are yes, oxidase, reductase, dehydrogenase or catalase. Okay, तो मेंटी में मेंडी में जिनको क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं तो वो तो मेंडी में देखो क्वेश्चन तो शो हो, क्योंकि कुछ बच्चों को तो हो रहा है, जिनको नहीं हो रहा है नथिंग टू वरी, आप तो यहां से क्वेश्चन देखिए और वहां पे आंसर को पुट कर सकते हैं, है ना. मैं एक बार सिर्फ यहाँ पे ये चेक करूंगा टेक्निकली कहीं कोई प्रॉब्लम ज्यादा ना रहे, ऐसे मेरे को उम्मीद नहीं है कि ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. ओके, तो ये क्वेश्चन था सेल रेस्पिरेशन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, और इसके अंदर किस तरह के एंजाइम यूज होते हैं, इस पे क्वेश्चन था. ओके, तो आपने यहाँ पे आंसर जो है, ओके चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आंसर है, गॉट दैट. तो थोड़ा सा परसेंटेज में हम डिप डाउन हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि कंफ्यूजन में रह गए 34% और 33% वाले. तो इसको अपन देखेंगे, है ना, कि आप लोग अपने जो प्रिपरेशन है उसको देख लो, यानी ये वाला पार्ट अभी थोड़ा सा आपका वीक है, आप इस पे काम कीजिए. चलिए, ओके, सो विद दिस वी हैव गॉट अवर 100 लाइक्स और इसको कंटिन्यूस इंक्रीज करना है. एंड सुभाष कुमार ने एक बहुत ही अच्छी सी दोहा लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स में. यस मैम, वेरी वेल डन. गुरु ग्रंथों का सार है, गुरु ही प्रभु का नाम, गुरु ज्ञान की ज्योति है, गुरु ही है चारों धाम. ओके, थैंक यू फॉर दैट. ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ऑक्सीडेशंस ड्यूरिंग क्रैब साइकिल इन सेल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स Addition of O2, removal of O2, removal of CO2, removal of H+ and E- है ना, है ना. तो ये थोड़ा सा तो टेक्निकल करेक्शन कर सकते हो खुद भी, ये E- है, इलेक्ट्रॉन है. ओके, तो इसका ध्यान रखेंगे. चलिए, रैंक पीछे चली जाती है मेरी, तो रैंक पीछे चला जाता तो वो तुम्हारे कारण ही तो जा रहा है ना, उसे आगे करो, है ना, जल्दी आंसर करो. ओके चलिए, 3-2-1 टाइम इज अप, लेट्स सी कितने के आंसर सही आने वाले हैं. ओहो यार, इसने पूछा था ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल इन सेल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, तो ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, आप देखो तो H+ ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल वगैरह की हम बात करते हैं ना, तो यहां पर आपको प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में ही तो आंसर करने होते हैं. गॉट माय पॉइंट. तो यहां पर जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, ओके, वो आप मेंटी में जाके आंसर करें, मजा बहुत आएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स के बीच में कंपटीशन होगा और आपको ही पता चलेगा आप कहां पे लैग कर रहे हैं. ये वाले टॉपिक्स आपके वीक हैं, प्लांट फिजियो अभी भी काम करना बाकी रह गया, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हो इन क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, तो इस पर ध्यान रखेंगे. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ गया प्लांट फिजियो से ही. द आयंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आर
फॉस्फेट सोडियम हाइड्रोजन और ऑल ऑफ द अबव. सर क्वेश्चन पढ़ने में लेंदी लग रहा है पर मुझे पढ़ते ही आंसर पता था इसका. बिल्कुल बहुत इजी. अब मैम टाइम आज तो लेंदी वाली बात ही नहीं, आज तो टाइम बहुत है. आप तो पढ़ रहे हो तब जाकर के भी टाइम हमारे पास सेव हो रहे हैं. यस यहाँ पे सीखा है हमने, आप हमारे गॉड. ओके थैंक यू फॉर दैट सुभाष, थैंक यू. ओके अर्श कह रहे हैं क्या मैम क्वेश्चन सही से दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे रहे हैं. हर क्वेश्चन के बाद कोड मांग रहा है. ओके सुभाष थैंक यू. ओके चलिए इसमें देखते हैं मैम क्या कर रहा है इन लोगों ने. ये बहुत सारे कंफ्यूजन में है अभी तक प्लांट फिजियो को लेकर के, है ना. तो प्लांट फिजियो की जो कंफ्यूजन है ना, यानी प्लांट फिजियो अभी भी तुम्हारा वो यूनिट वीक है, उसको रिवाइज करो उस यूनिट को, ठीक है. क्योंकि आपको इसके अंदर आंसर्स आपके गलत नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आप बहुत गलतियां कर रहे हैं क्योंकि ये परसेंटेज अभी एक्सपेक्टेड नहीं है कि 37% आने चाहिए. And sir, most important thing कि ये यूनिट ये हल्के में लेके नहीं जा सकते. बिल्कुल क्योंकि एनी कंडीशन, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा आई थिंक सो 15 questions का वेटेज होता है. बिल्कुल 15 questions के लगभग आ जाते हैं. और मैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन ऐसे दो चैप्टर्स है जिनसे क्वेश्चंस बल्क में आते हैं, तो उन्हें थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा. प्लांट फिजियो वीक है तो मैं वही कह रहा, प्लांट आपको पता चल गया ना, यहां से हमें भी पता चल रहा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स है ना इनके प्लांट फिजियो में थोड़ी प्रॉब्लम है. हमारा मेंटी कराने का पर्पस भी यही था कि लास्ट मोमेंट आपको ये बात बताएं कि आपकी वीकनेस अभी कहां पे है, कहां पर से अभी भी एग्जामिनर आपके मार्क्स कट करवा सकता है, आप मत करो, है ना. तो ये बात पता चल गया प्लांट फिजियो आपका वीक है. अब आप क्या करेंगे आज रात को, आपको पता है कि चलो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे फिर से एनसीईआरटी से पढ़िए अपने कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैम पूरा चैप्टर तो ये नहीं भूलते हैं, है ना. बिल्कुल पूरा चैप्टर भूलते भी नहीं है सर. और कभी कभी क्या होता है ना कि ये लोग अगर पढ़ने बैठते हैं तो इनको लगता है हम पूरा रिवाइज करें. यहाँ हम उनको ये चीज दे रहे हैं कि उनको रिवीजन किस पोर्शन का इंपॉर्टेंटली नीड है, किस पोर्शन के रिवीजन की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है. बिल्कुल बहुत सही मैम. और देखो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर जो है उसमें से आप ये फिगर आउट करो कि मेरा कौन सा आर्टिकल कौन से कॉन्सेप्ट में मुझे काम करना है, और उसको आज फोकस करके पढ़ लो, है ना. तो ये काम करना शुरू कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत रैंक में इंप्रूवमेंट हो जाएगा तुम्हारे. चलिए यहाँ पे बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्या बात है, बहुत ही बहुत मतलब पूरी फ्लिप हो गया पूरा का पूरा. राइमा टॉप पे आ गई है, आकांक्षा सेकंड और वो भी फास्टेस्ट आंसर, और एजे मैम की टीम का डागा अर्जु तो बिल्कुल थर्ड पे चल रहा है. आज तो सोच लिया उसने एजे मैम को जिता के ही मानेगा, है ना. वैशाली यादव फोर्थ पे, निशा इज ऑन फिफ्थ, अबीदा इज ऑन सिक्स्थ है, सेवेंथ पे शारांश मैथिली एंड देन स्नेहा साहू एंड जतिन बंसल, ब्रिलियंट बहुत ही बढ़िया. बिल्कुल किसकी टीम में हो बेटा? रायमा ने मैम शायद क्या था शुरुआत में कि दोनों ही की टीम में, दोनों की टीम में तो नहीं रहना है ना, किसी एक ही टीम में रहो, दोनों की टीम में कैसे रहोगे. वो अपन क्रिकेट खेलते थे मैम तो एक चीज होती थी कि हम लोग किसी को कहते थे दोनों टीम में, तो उसे बैटिंग नहीं देते थे, बस फील्डिंग कराते थे. तो आप तो टॉप पे चल रहे हो, है ना, तो किसी एक ही टीम में रहना है आपको. चलिए बेटा अब थोड़ा दिमाग को दौड़ाओ, वापस लीडर बोर्ड क्योंकि एजे मैम की आपके टीम के हो, है ना, तो जल्दी से आ जाओ, है ना. ओके तो आज तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पता चला इनको भी कि हमारी वीकनेस कहां पर है. क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, बी रेडी फॉर इट. ओके क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ रहा है और देखते हैं आप क्या करने वाले हैं इस बार. कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन ओनली डाइकॉट स्टेम, ओनली मोनोकॉट स्टेम, इन बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, इन बोथ स्टेम एंड रूट. चलिए लेट्स सी क्या होने वाला है इसके अंदर, आंसर क्या करने वाले हो कोलैटरल. मैम आमला एंड जेरी इज आस्किंग कि वेदर देयर इज अ टाइम लेफ्ट टू रिवाइज बायोलॉजी ऑफ क्लास 11th एंड 12th कंप्लीटली. सी आमला सिंपल आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक्स. ओके क्योंकि द थिंग इज हाउ मच यू आर गोइंग टू पुट इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज मोर रिक्वायर्ड. तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को फास्ट एंड फ्यूरियसली अगर रिवाइज करना है इन द लास्ट मोमेंट, NCERT is the key. If you have studied your NCERT properly, yes, there is enough time to revise completely 11th and 12th. Okay? Sir, यहाँ पे इन लोगों ने फिर रायता फैलाया है. मैम मैंने कहा ना वो जो इनका प्लांट फिजियो वाला पार्ट चल रहा है. सर ये तो एनाटॉमी, अच्छा ये मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वाले क्वेश्चंस में थे, यानी कि अभी भी बॉटनी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है इनको. बॉटनी में प्रॉब्लम है तो देख लो अपने आप को, संभाल लो, है ना, क्योंकि टाइम अभी भी है. लेकिन उसके लिए जो अपने वीकनेस पे काम करना चाहता है उनके लिए टाइम अब है ना. अब तो ये नहीं हम कह सकते कि आज रात को पढ़ना शुरू करोगे जीरो से हीरो बन जाओगे कल सुबह तक. स्पाइडरमैन वाली कहानी तो चल नहीं रही है, है ना, कि कोई स्पाइडर आएगा काटेगा सुबह तक तो तुम स्पाइडर बन चुके होगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन.
If there is an injury in the hypothalamus region of the brain, it is most likely to affect regulation of body temperature, decision making, coordination during locomotion, short term memory. Sir, prediction बताइए आपका जल्दी से. मैम ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि डॉक्टर बनाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यही चीज है तो इनको आगे चल के इनकाउंटर करना है. तो इसमें मैम 87%. 87%. हाँ बिल्कुल मैम, एकदम मेरे अंदर से ही आवाज आई है. तो 87%. देखते हैं. Let's see क्या होता है. 87% बोला है मैंने, रख लेना थोड़ा लाजवाज रख लेना, है ना, कि 87% 87% के ऊपर ही लाना, नीचे मत लाना. अरे 76% हाइपोथैलेमस था ना, तो हाइपोथैलेमस का काम ही क्या है मैम? हाइपोथैलेमस के फंक्शंस को याद रखने के लिए अपन एक चीज बताते हैं, बेताब. बेताब है ना, तो आपको वहां पे पता है थर्मोरेगुलेशन वो कर सकता है. तो आप वहां पे उस बेताब वाले में देखो टी है, टी का मतलब थर्मोरेगुलेशन वो कराएगा, तो थर्मोरेगुलेशन वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है. ओके बहुत ही बढ़िया सर, इट्स ओके. वैसे जो कुछ लोग हैं उन्होंने पता नहीं क्या सोच के किया है, बट ये जो 76% ने सही किया है बहुत अच्छी बात है. ये पूरा आज पूरी तैयारी करके आए हैं मेंटी के लिए, इन्होंने बहुत ही शानदार करा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 12. हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ एग्जाम. एग्जाम के फियर से ओवरकम होना ही नहीं है, आप बस उसके लिए स्ट्रेस मत दीजिए, फियर तो होना ही चाहिए. फियर, डर नहीं होगा तो जीतोगे कैसे, डर के आगे जीत. तो डरेंगे पहले तभी तो जीतेंगे ना, तो डरना तो है ही है, लेकिन हाँ उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि रिजल्ट क्या होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर एफर्ट तुम्हारे हाथ में, 100% एफर्ट में लग जाइए. ठीक है, तो बस आप एफर्ट कीजिए, बाकी सब छोड़ दो, जो होगा सब अच्छा ही होगा. और दूसरी बात है, आप जितना पढ़ोगे ना वो हमेशा काम आने वाला है. ओके तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए. मैम ये क्वेश्चन पहुंच गई है, ये क्वेश्चन ना हमने लिया था है ना, इसी को दूसरे फॉर्म में लिया था, अब इसमें तो गलती क्या है ये कर रहे हैं. अरे यार मैम, इनको इतना नहीं समझ में आ रहा कि अगर पीएनएस सीएनएस की तरफ लेके जाएगा तो पीएनएस सीएनएस की तरफ लेके कौन जाएगा, एफेरेंट. और सीएनएस से अगर ये हम जाएंगे इफेक्टर्स की तरफ तो क्या होगा, एफेरेंट. ई फॉर एग्जिट, एग्जिट हो रहा है सीएनएस से. इसको याद रखने में कौन सी प्रॉब्लम थी सर? मैं स्टार्टिंग में एक चीज बताना भूल गई, मैंने लास्ट 20 में कहा था मेरे पास कुछ सरप्राइज है, कुछ बिग अनाउंसमेंट जो मैं आज फिर से इन लोगों को देने वाली हूँ. क्या बात है, देखो मैम फिर से एक सरप्राइज लेके आई, मुझे भी नहीं पता है, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैम ने जस्ट ये बात बोला है, तो मैं भी अब एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैम वो सरप्राइज क्या है बता दो. सर अभी नहीं. अच्छा सरप्राइज है, तो सरप्राइज है, एंड पे बताओगे आप? मैंने बता दिया है ताकि ये अपने दोस्तों वगैरह को अभी तक बुलाना हो, नहीं बुलाया हो, बुला के ले आएंगे ताकि सभी को एक साथ इन्फॉर्मेशन और अनाउंसमेंट सुनने का मौका मिल जाएगा. ओके बिल्कुल बिल्कुल, तो सरप्राइज है. और क्या सरप्राइज है यार, ये मैं भी आज तो मैम बता देना, मुझे भी बताना है ना, ऐसा नहीं करना कि आप कहना कि सर अब जाओ आपका काम हो गया है ना, बता देना. ओके चलिए लेट्स सी लीडर बोर्ड. अरे भाई साहब, एजे मैम की टीम, नागार्जुन सेकंड पे, क्या बात है, नागार्जुन अलग ही लेवल पे खेल रहा है मैम. मतलब आज तो लीडर बोर्ड में, मतलब देख लो, इसको कहते हैं कि जब आप सच में मेहनत करते हो ना, एफर्ट करते हो, रिजल्ट्स डेली हर एक मेंटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसकी रैंक में इंप्रूवमेंट हो रही है. और नीट में भी जो बच्चे रेगुलरली हमारे मेंटीज में है ना, दे आर गोइंग टू से कि यस सर, 12th को जब हमने पेपर दिया ना तो हमारे रैंक में एक बूस्टर मिला है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो. रायमा स्टिल टॉप पे है मैम. बिल्कुल नागराजू, अगर रायमा मेरी टीम में नहीं है तो तुम इसको टक्कर दे सकते हो. उसके बाद है आकांक्षा, अभिदा, अभिदा एंड सारांश ने फास्टेस्ट आंसर दिया है. प्राउड टू बी इंडियन, प्रवालिका, निशा, प्रिंस जैन अगेन लीडर बोर्ड को हिट करते हुए, एंड संदीप फ्रॉम आरके गैंग. ओहो संदीप वापस आ गया, क्या बात है संदीप, जल्दी से टॉप पे आ जाओ. खैर तुम्हारी तो रिकॉर्ड अच्छी है ना, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है मैम, ये टॉप पे आया जा सकता है. तो आज देख लेते हैं मैम कितने टॉप में आने वाले हैं. ओके बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है, क्योंकि आज आपके परसेंटेज भी ठीक ठाक है. कहीं कहीं पर आप डिप डाउन हो रहे हो, बट वो डिप डाउन आपको बता रहा है कि यस यू हैव सम वीक पोर्शन स्टिल लेफ्ट, यू हैव टू कवर दैट, और आप करके दिखा दोगे. ओके चलिए, मुझे मेरा इंट्यूशन जो आ रहा है वो ये है कि जितने भी बच्चे यहाँ लीडर बोर्ड में है, इनका रैंक तो पक्का आने वाला है नीट में, अगर इनकी तैयारी इसी तरीके से रही. पर मैम प्रॉब्लम आती है कि फिजिक्स केमिस्ट्री, अपन तो हमेशा ही कहते हैं बायो में ज्यादा तुम्हें
जाना नहीं, तैरना नहीं है, है ना? आप तो उतने ही चले ना जितना हम आपको बताते हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, लेक्चर्स अटेंड कीजिए और आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारे साथ आप जुड़े तो रहिए, हमें हमें पता है कि आपको किस रास्ते लेके चलना है। सर ये पुराना क्वेश्चन आ चुका है। हाँ बिल्कुल मैम, और क्रंज एनाटॉमी तो वैसे भी एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको एनसीईआरटी में भी जब मिलता है तो आपकी आंखें खुली रहती है उस वक्त, है ना? तो ये तो गलत होना भी नहीं चाहिए, लेकिन गलत करा के लिए यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना मैम, वो है थिक वॉल और थिन वॉल्स वाले में। अगर ये थोड़ा सा ध्यान रखा होगा इन्होंने तो बिल्कुल सही कर देंगे आंसर, कहीं प्रॉब्लम नहीं। मुझे इतना लगता है कि जिन लोगों ने लगातार मेंटी किया है वो इसका आंसर सही देने वाले हैं। बिल्कुल सही दे सकते हैं, पर ये देंगे नहीं। 47% ने सही दिया है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने सच में प्रॉपर तरीके से पढ़ा है। थिक वॉल्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं होते हैं और बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है, तभी तो क्रंज एनाटॉमी मैम सीफो प्लांट्स में मिलता है और इसलिए सीफो प्लांट्स ज्यादा बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। ओके चलिए, नॉट क्लियर विजिबल विश्वराजन कह रहे हैं, यार इतना विजिबल है कि अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो। कनेक्शन सही नहीं होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन गाइस। तो नजरें बिल्कुल जमा लो, पर स्पीड भूल मत जाना, है ना? तो रफ्तार तेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ PS2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय साइटोक्रोम एफ क्विनोन, साइटोक्रोम बी फेरेडॉक्सिन। यस, इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से सोचो क्या हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ओके मिरेकल बॉय सेकंड ऑप्शन जो था वो थिन पे था, वो थिक पे नहीं था। तो पूरे कुछ ऑप्शन को पढ़ोगे तो शायद वहां पे आपको मिल जाए, या फिर वहां पे एक दो चीजें चेंज होते हुए नजर आ जाएंगी आपको। ठीक है चलिए, टाइम इज अप, लेट्स सी इसमें कितनों ने सही आंसर करा है। चलिए 51% ने सही करा, 51% ने, दैट इज क्विनोन इज द करेक्ट आंसर। ओके क्योंकि PS2 से पूछा गया था ये कि PS2 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करता है, तो क्विनोन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले चैट बॉक्स में फायर चाहती हूँ थोड़ा। ओके क्योंकि हम 15th क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हमारा आज का आधा मिनटी पूरा होने वाला है। सो फटाफट चैट बॉक्स में आग लगा दो, फायर इमोजी, आग लगी हुई दिखेगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल बहुत महंगा है, आग लगाएंगे कैसे? सर CNG से लगा देंगे। अच्छा तो CNG से लगा के दिखा दो। ठीक है तो जल्दी से एक बार आग लगा दीजिए आप, जल्दी से चैट बॉक्स में लगना चाहिए कि यस यू ऑल आर प्रेजेंट, यू ऑल आर एक्टिव, जान अभी भी बची है तुम्हारे अंदर, है ना? तो तब मजा आएगा, क्योंकि हम जब खेल रहे हैं यहां पर तो बिल्कुल यहां पे लगना चाहिए कि जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि परफॉर्मर तभी बेस्ट परफॉर्म करता है जब उसको सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप जल्दी से आग लगा दीजिए। मैम आपने कहा और आग लग गया। नहीं सर अभी मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे बीच में मैसेजेस दिख रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ फायर चाहिए मुझे चैट बॉक्स में। ओके फायर चाहिए तो जल्दी से फायर। ओके बहुत ही बढ़िया, ओहो बहुत सही, बहुत शानदार लग रहा है सर। दिवाली आ गई यार, देखो ये सच में मतलब मजा आ गया, मतलब आप फील करो दिवाली वाली फीलिंग आ रही है और यही पटाखे फूटने चाहिए, है ना? नीट की एग्जाम हो जाए और इस बार तो एकदम धमाका मचाना है, क्योंकि आपने तैयारी शानदार की है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं दिखा दूंगी हमारा फोन जल जाएगा जल जाने दो, फोन जल जाए, लेकिन आपका जो जुनून है ना वो नहीं जलना चाहिए, वो हाई रहना चाहिए। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगू फीवर इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन RBC काउंट, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन WBC काउंट, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट और सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। तो बच्चों ये चीज का ध्यान रखना है, जब तुम डॉक्टर बनते हो ना तो तुम्हारे घर वाले तुमको फर्स्ट ईयर में डॉक्टर मान लेते हैं कि ये डॉक्टर बन चुका है, तब अभी मान लेते हैं। हाँ तैयारी कर रहे तो अभी मान लेते हैं, घर की रिपोर्ट्स दिखाना शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर तो दादी से जाके पूछो, वो भी बता देंगी, क्योंकि डेंगू में क्या होता है किसको नहीं पता है, है ना? तो डेंगू में यहाँ पे ये चीजें, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ 62%, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड गोइंग। बिल्कुल देखो मैम ने सही बात, एक बात बताया कि जब आप मेडिकल बायो ऑप्ट कर लेते हो ना तो घर वालों के नजर में आप उसी दिन से डॉक्टर होते हो, है ना? सिर्फ वो मोहर लगती है नीट के रिजल्ट के बाद, पर घर वालों के लिए आप डॉक्टर बन जाते हो। इसलिए आप देखते हुए होंगे आपके आसपास के लोग जो है वो आगे पूछ रहे हैं, यार सर में दर्द हो रहा है तो ऐसा क्यों होता है कि हमें ये वाली एनाल्जेसिक ही क्यों लेनी होती है, ना? तो आप फिर उसको बताते हो, देखो होता क्या है हमारी बॉडी में, फिजियोलॉजी क्या चलती है, फिर उसको आप जोड़ते हो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से, तो फिर मजा आता है आपको भी, है ना? तो बढ़िया है, शानदार चल रहा है मामला अभी तक तो। लेकिन 62% नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड था कि मोर देन 92-93% बच्चे कर सकते थे। चलिए लेट्स सी, नीड अ बोर्ड।
ओहो, आज क्या होने वाला है, आज तो पता नहीं चल रहा है। गॉड, चेंजेस चेंजेस। राइमा इज स्टिल ऑन टॉप, देन वी हैव आकांक्षा, देन थर्ड पे प्रिंस ने जंप कर दी है, प्रिंस जैन नाम तो सुना होगा, देन वी हैव अबिदा कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड इन द लीडर बोर्ड, सनशाइन प्राउड टू बी इंडियन, नाग राजू क्या हो गया बच्चे ऊपर जाओ वापस, स्नेहा साहू, शारांश इज स्टिल इन द लीडर बोर्ड एंड तेजस सालवे ओके। लेकिन आज शारांश थोड़ा नीचे चल रहा है, ये तो टॉप में रहने वाले पोजीशंस में रहता है तो रहना चाहिए। और मैम नागार्जुन ने आपकी ही टीम के दूसरे मेंबर को रिप्लेस करा है, तो आपका तो क्या है कि जैसे प्रिंस जैन पहले पीछे था, अब नागार्जुन ने, पर मुझे तो दोनों टॉप थ्री में चाहिए ना। अरे मैम की लालच बढ़ रही है मैम की लालच बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मैम चाह रही है कि टॉप टेन में बस मैम की टीम के मेंबर्स रहे। एग्जैक्टली, तो हम क्या करें, मर जाएं? नहीं। ओके, लेट्स सी क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ECG depicts the depolarization and repolarization process during the cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, one of the following wave is not represented. देखो अगली बार फिर से वही क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। और ये वो क्वेश्चन है ECG जिसको देख करके डॉक्टर बनने वाली फीलिंग आती है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो ECG वाली मैम ग्राफ चलती है ना, जब मूवीज वगैरह में और एक साउंड सुनाई देता है पी तो वो वाला साउंड आपको फील कराता है डॉक्टर। Unrelieved thought, मुझे किसी ने हायर नहीं करा है एज ए टीचर डॉक्टर, मैं खुद डॉक्टर हूँ इसीलिए मुझे इस चीज का अनुभव है। यस, और ये बातें आपको तब समझ में आएगी जब आप पैशन किसी चीज कर, जैसे तुम्हारा पैशन है कमेंट करना, वो भी बिना सर पैर वाले, तो वो तुम कर लेते हो, तुम खुश हो लेते हो उसमें, है ना। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो हमारा ग्राफ है ये है 56% का, सर आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? ओके सर, आपका भी नाम आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं एकदम वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से तुम लोग आ जाओ और मैम को बताओ कि मैम ऐसा नहीं है मामला कि टॉप टेन में सभी लीडर बोर्ड में आप ही के टीम मेंबर्स रहेंगे, कुछ आएंगे अपने भी आएंगे। ओके मैम 56% थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। क्यों डिसअपॉइंटिंग? क्योंकि ECG जब आप पढ़ते हो ना, तो ये आप पढ़ते हैं कि डिपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स का, डिपोलराइजेशन एट्रिया का आप पढ़ते हो, रिपोलराइजेशन आप वहां पे देखते हो वेंट्रिया, लेकिन आपको कहीं पर भी नाम जो एट्रिया के कंडीशन में डिपोलराइजेशन का नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस वैसे भी पता चल रहे थे, ठीक है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन 56% के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो पढ़ के आ रहे हैं तो उनके लिए सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, उसके लिए भी तैयार हो जाइए। 17th क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टाइनल विलाय अमंग द फॉलोइंग। बहुत ही आसान। क्यों आसान? क्योंकि ऑप्शंस जो है, ये चार ऑप्शंस आपको बहुत कुछ हिंट देने वाले हैं, तो ये अब आपको करना है। ओके चलो लेट्स सी क्या करने वाले हो। बहुत इजी है अमन, जल्दी का काम बकवास का है जल्दी का काम शैतान का होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्या होने वाला है, लेट्स सी दैट। चलिए क्या करने वाले हैं आप क्या सभी? किया है देखते हैं, टाइम्स अप। ओहो, मजा आ गया, मजा आ गया, मतलब शानदार। फैट्स का डाइजेशन बिल्कुल सही है ना, कि फैट का, सिर्फ फैट का डाइजेशन तो करेगा ही नहीं वो, है ना, इंटेस्टाइनल विलाई, तो बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे क्वेश्चन आए और आप बिल्कुल छा जाइए जल्दी से, है ना। ओके लेट्स सी क्या होगा। आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, ये जो लाइन रहती है ना बहुत ही शानदार है, क्योंकि आपको सच में जल्दी जल्दी आंसर करना चाहिए। मैच द टू कॉलम्स एंड सिलेक्ट द राइट वन अमंग्स द ऑप्शन। सर इसमें तो मुझे लगता है मुझे 90-80 से 90 के बीच में ग्राफ मिलेगा, क्योंकि इतना इजी है। मैम कुछ बच्चे जो है जो थोड़ी सी हड़बड़ाहट करते हैं, कुछ जो है वो थोड़े से कॉन्सेप्ट पे, इसलिए परसेंटेज गिव डाउन होते हैं। देखो सिर्फ एक एक ये बी आप सॉल्व कर लो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, या फिर जो भी आपको याद है इनमें से किसी भी एक को भी अगर आपने कर लिया तो ऑप्शंस दिख जाएंगे। सर बी का जो सही आंसर है वो एक ही ऑप्शन में दे रहा हूँ। 2022 के लिए क्लासेस हो चुकी हैं शुरू, तो आप अगर इनरोल होना है तो जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए, है ना, क्योंकि आपकी वो क्लासेस शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो आप जाइए इकरे पॉइंट लर्निंग ऐप पर, वहां पे अपने कोर्सेज को देखिए और वहां से आप एनरोल हो सकते हैं। सो यहाँ पे हमको 79% का ग्राफ मिला है, नॉट बैड, गुड, बट ये क्वेश्चन हर बच्चा आंसर कर सकता था। अगर आप सिर्फ बी वाला सॉल्व कर लेते, एपिग्लोटिस फ्लैप है,
अगर सिर्फ वो सॉल्व करते तो उसका वो तो याद रहता है, मतलब एपिग्लॉटिस तो वैसे भी याद रहता है फ्लैप, तो वो सही बात है कि उसमें एक ही कोचिंग ये एक ही जो आपका ऑप्शन है उसी से हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सर रीडर बोर्ड आएगा क्या? यस मैम, यस मैम, यस मैम। और देखते हैं क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ नाम ऊपर नीचे होंगे 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 होंगे। रायमा इज स्टिल ऑन टॉप विद द फास्टेस्ट आंसर। देन वी हैव आकांक्षा, अभिदा, प्रिंस जैन, नागराजू, तेजस, सारांश ने फिर ऊपर पुश किया है अपने आप को, प्राउड टू बी इंडियन, संदीप इज अगेन इन द लीडर बोर्ड, एंड देन वी हैव स्नेहा साहू। बहुत ही शानदार कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे, और खास करके मैं तो मैम आपके दो जो टीम मेंबर्स है ना उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन देख रहा हूँ, प्रिंस जैन और नागार्जुन में, बहुत ही शानदार। और रायमा आज तो बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया कर रही है, टॉप पे चल रही है, कहीं कोई पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। रायमा गुड गोइंग, बहुत बढ़िया। रायमा ने पहले से लीडर बोर्ड में हमको नीचे की तरफ दिखती थी, आज शुरू से ही ऊपर ही बनी हुई है। यस यस बिल्कुल, तो बहुत ही शानदार कर रहे हैं, मतलब कि आज जो टॉप फाइव भी चल रहे हैं यार, वे टॉप आज मैम एक चीज मजा आ रहा है क्या कि नाम नए आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, लीडर बोर्ड बदलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। राइट मतलब करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है आपको। ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिवेट एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। एंटीरोकाइनेज इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियास। बाइल कंटेन्स ट्रिप्सिन। सर मैं इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक बताती हूँ और ये उसी ट्रिक से सॉल्व हो जाता है, मतलब मैं जब क्लास में ये चीज पढ़ाती हूँ तब। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखो एक एकदम सिंपल सी ट्रिक है कि अगर मैम GEN लगा हुआ है, हाँ, वही ट्रिक है सर, GEN यानी जेन लगा हुआ है, तो ये क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। और जब इनएक्टिव कर देता है तो इसने पहला ही स्टेटमेंट क्या लिख दिया था कि इनएक्टिव है, इनएक्टिव। तो राइट स्टेटमेंट खोजना था, राइट स्टेटमेंट आपके पास था, पहला ही ऑप्शन राइट था, और 70% ने उस बात को समझा भी था। यस, तो क्लास में अगर कॉन्सेंट्रेशन रख के पढ़ते हो तो बहुत कम आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। ओके हाय यश। ओके चलिए बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन। बिल्कुल आ गया आ गया आ गया आ गया। स्टेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ लीफ एंड हैविंग मेनी इंटरनोड्स इज कॉल्ड एज फाइलोक्लैड, कैलोड, देन वी हैव ऑफसेट, देन फाइलोड। ओके 23rd प्लेस पे आ चुकी है ममता, तो जल्दी जल्दी आ जाओ टॉप 10 में, बहुत अभी 23rd पे है जल्दी, लेकिन कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके और हाँ बिल्कुल विश्वराज, हैप्पी जन्माष्टमी, तो लेट्स सी क्या होता है, क्या होता है, बहुत टाइम है मैम आज तो। बिल्कुल आज टाइम की कंप्लेंट तो है ही नहीं किसी को भी, टाइम इज अप। ओके एंड मैम फाइलोक्लेट बहुतों ने आंसर करा है और वो सही भी है, 76% स्टेम मॉडिफाइड था कि स्टेम मॉडिफाइड हुआ है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, तो दैट इज फाइलोक्लेट, नो प्रॉब्लम इन दैट। थैंक यू कैप्टन, लाइक द सेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज, बी रेडी, क्वेश्चन नंबर 21। शगुन का 21 आ चुका है। सर आपका नाम? मेरा नाम कहां से आ गया? पूछ रहे हैं। अच्छा मेरा नाम पूछ रहे हैं, हाँ मेरा नाम लिख लो यार वहां पे, ये आरके या फिर रोहित है ना, तो आपको जो भी सही लगे आप कर लो उसमें। चलिए अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर किसी ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, और जब भी हम एनिमल किंगडम पढ़ाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, टू फोकस ऑन द एग्जांपल्स, या और एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड एक्सेप्शंस एज वेल। तो यहाँ जो भी है सब उसी के थ्रू आंसर सॉल्व हो जाएगा, दो आप सॉल्व कर लो, दो मैच कर लो आंसर आपके सामने। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, पहले भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स अगर छोड़ के जाओगे तो पछताओगे, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही पढ़ के जाना, और कुछ नहीं भी पढ़ के जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो उनको जरूर देखेंगे। 47% ने पढ़ाई की है इसलिए यहाँ पर वो चीज यहाँ पे दिख गया। ओके तो बिल्कुल चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नहीं मैम लीडर बोर्ड आएगा, और लीडर बोर्ड आते ही आज फिर से कुछ नए नाम दिखेंगे। सनशाइन इज देयर न्यू नेम। ओके बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, लेट्स सी क्या। अभिदा ऊपर। ओके प्रिंस वेरी गुड, वाह वाह वाह। सो वी हैव रायमा ऑन द टॉप एज यूजुअल, देन वी हैव प्रिंस, अभिदा, आकांक्षा, सारांश, स्नेहा, संदीप फ्रॉम आरके गैंग बिल्कुल ऊपर आ रहे मैम, आ रहे बिल्कुल। सनशाइन
नागराजू एंड निशा ने फास्टेस्ट आंसर देके लीडर बोर्ड में अपनी जगह बना ली है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी के सभी ऊपर आते हुए नजर आएंगे, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक एक करके सभी नाम ऊपर नजर आ जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और इस बार एकदम तोड़म ताड़ मचा देना है ना, कि इस बार क्या करना है कि इस बार परसेंटेज पे करना है कि हमें गलती किसी तरह का मिसक्लिक किसी तरह का गलत नहीं होना चाहिए। गॉट दैट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, मॉडिफिकेशन से मैच करना है किसका कौन सा मॉडिफिकेशन है। यहां भी दो क्वेश्चन, आप दो के मैच करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो जल्दी से उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या होने वाला है, क्या करने वाले हो आप सभी, जल्दी से सॉल्व करिए। बहुत, बहुत सारा टाइम है यहाँ पे आप लोगों के पास। और देखो जिनको ये विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास इस बार टाइम है तो आप आराम से उसे देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और नेटवर्क वगैरह का है कोई इश्यूज या फिर यहाँ पर आपको चीजें मिल रही हैं तो वो चीज आप यहाँ से देख करके चलो, अगर मेंटी में वो चीजें प्रॉपर नहीं दिख पा रही है तो। हेलो, अचानक भयानक वाइंस। बिल्कुल, यस इट इज साहिल, आई होप सो, यस अचानक भयानक। ओके, सो यहाँ 48 लोगों ने बिल्कुल 48% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो ट्रिकी था सर क्वेश्चन, अगर इन लोगों को याद रहता मॉडिफिकेशन तो ये सही कर सकते थे, जिन लोगों ने गलत किया है उनके लिए बता रहे हैं। और मॉडिफिकेशन के एग्जांपल भी देख के जरूर जाना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। स्पाइरकल्स फाउंड इन कॉकरोच आर, अगर ये क्वेश्चन आपको इतना भी पता है कि कॉकरोच में कितने स्पाइरकल्स होते हैं तो भी आप इसका आंसर सही दे सकते हो, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ इतना पता है कि टोटल कितने स्पाइरकल्स होते हैं तो भी आप आंसर सही कर सकते हो। स्पाइरकल्स फाउंड इन कॉकरोच आर, और यहाँ पे जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन कह रहा है 2 pairs इन थोरैक्स एंड 10 pairs इन एब्डोमेन, 2 pairs इन थोरैक्स एंड 6 pairs इन एब्डोमेन, और बाकी में 2 pairs इन थोरैक्स, 8 pairs इन एब्डोमेन, 2 pairs इन थोरैक्स एंड 4 pairs इन एब्डोमेन। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं और इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था, और जो करेक्ट आंसर दिया है वो 35% ने सही करा है, तो 35% ने चीजों को सही किया। ओके, तो ये आपका आंसर इसके अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करूंगा। ओके, इतना पता होना चाहिए सर इनको कि 10 होते हैं टोटल, 10 स्पाइरकल्स, तीनों ऑप्शन को प्लस करते सिर्फ एक ही था जिसमें 6 और 4 का ऑप्शन था। बिल्कुल, बहुत देखो ऐसे कभी कभी अपन तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी चल सकते हैं, कि अगर हमने नहीं पढ़ा है और सिर्फ इतना पढ़ के हम गए हैं कि स्पाइरकल्स 10 है तो हमें क्या करना है, 10 ही तो जोड़ना है ना, इतना तो मैथमेटिक्स एक्सपेक्ट करते हैं, मानते हैं बायो वालों का थोड़ा मैथ्स भारी भी होते हैं तो जोड़ना तो ये करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया शानदार कर रहे हैं, थोड़ा और आपको करने की जरूरत है प्रॉपरली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24th क्वेश्चन पे, लेट्स सी क्या करते हो आप 24th क्वेश्चन के साथ। तो ये भी देखते हैं, Which of the following statements does not characterize the red algae? Red algae के लिए इसमें से क्या बात सही नहीं है वो आपको बताना है। मैचिंग वाले क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। ओके ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चन हटा देते हैं। ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चन अब नहीं रहेंगे, अब इसको सॉल्व कर लो। ये कह रहा है कि रेड एल्गी के रिस्पेक्ट में आप बताना कौन सा उसका कैरेक्टराइजेशन नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पिक करना है। और ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है ना, इसी आर्टिकल से क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी किया था और वहां बहुत गलतियां की थी तुमने, और इस बार इसलिए इस क्वेश्चन को हमने करा है, वैसा ही सेम तो नहीं है लेकिन वैसा ही टाइप का है, और नीट में भी यही होगा कि सेम टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 36% यानी अभी भी उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, हमने कुछ क्वेश्चन हम डालते हैं, मुझे लगता है बॉटनी आते ही ये लोग फैल जाते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो मैम दिख रही है, और इस बार तो मैम प्रॉब्लम इस बार तो इन्होंने इनके लिए एनटीए ने एक काम करा है कि इस बार बॉटनी की पोर्शन बता दिया है कि 50% ही है ना, पहले तो ऐसा होता था कि 60% बॉटनी आ जाती थी क्योंकि सिलेबस ज्यादा है बॉटनी का, लेकिन इस बार तो 50% ही आया, तो तुम्हारे लिए इस बार स्कोरिंग बहुत अच्छी जा सकती है, कट ऑफ इसलिए ऊपर भी जाएंगे, है ना, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ आपके संदीप ने बहुत ही बढ़िया, और मैम सारांश, वेरी गुड, बोला था सर ये नीचे से ऊपर उठता ही है, रायमा सारांश, रायमा अलार्म बज चुका है, ध्यान दे दो क्योंकि बहुत तेजी से चेंज हो रहा है ना, डिफरेंस इज वेरी लेस।
डिफरेंस भी लेस है, और जब यहां से यहां ही आ सकते हैं, ये यहां से यहां सकते हैं, तो इसमें तो अब बहुत ही मजा आ गया, अब मैं मजा आएगा, अब गेम एक्चुअल में चलेगी। बिल्कुल, नाम बदलते हुए प्रिंस जैन भी बहुत ही अच्छा कर रहा है, और कोशिश कर, अबीदा थोड़ा नीचे हुई है, कर लेगी बकअप। आकांक्षा, निशा, स्नेहा साहू, निरंजन इज द न्यू नेम टुडे एंड प्राउड टू बी इंडियन इज कंटिन्यूज ऑन द लीडर बोर्ड। नागार्जुन मैम शायद बाहर हो गया है टॉप 10 से, कोई नहीं अभी तो क्वेश्चंस बाकी हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं, लेट्स सी क्या होने वाला है। तेजस बिल्कुल सरप्राइज का टाइम एकदम नजदीक आ रहा है, और इसीलिए अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेना, क्योंकि मैं सरप्राइज रिवील करने वाली हूँ, एंड आई नो आप लोगों को सरप्राइज बहुत 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 ज्यादा पसंद भी आने वाला है। किंग क्वेश्चंस के लिए कुछ कर रहे हैं, हाँ ठीक है, विजिबिलिटी आई होप कि नेक्स्ट क्वेश्चन से सही हो जानी चाहिए ना, एक दो क्वेश्चन में आपकी विजिबिलिटी सही हो जाएगी, आई होप सो, लेट्स सी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग भी आंसर कर ही रहे हैं, विजिबिलिटी is good. Ribosomes when associated with endoplasmic reticulum are attached with their smaller subunit, larger subunit, ATS unit, either by smaller subunit or by larger subunit. Yes. जिनको question नहीं दिख रहे बेटा वो है ना अपने video की quality बढ़ाओ, 720 पे देखो question, दिखेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ क्या जवाब दिया है तुम लोगों ने, बी करेक्ट लग रहा है आंसर, और कितने लोगों ने सर थोड़ा तो ये कर रहे हैं कि गलतियां कर रहे हैं, कोई नहीं, जहां पे गलतियां हो रही हैं उनको सही जरूर कर लेना, है ना, खुद से सही करने की कोशिश भी करना, अपने आप को समझना कि हाँ वहां पे कौन से टॉपिक तुम्हारे हैं जो कि वीक चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जो विजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम उसको अब शॉर्ट आउट कर ले, है ना, आई होप कि नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा सही हो जाना चाहिए, विजिबिलिटी बढ़ते हुए नजर आना चाहिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस अबाउट एल्गी, ये तो बहुत इजी है। हाँ, करेक्ट ऑप्शन अबाउट एल्गी, पहला कहता है सम एल्गी आर एसोसिएटेड विद फंजाई इन लाइकन्स एंड एनिमल्स ऑन स्लूथ बियर, ओके, ग्रेट रेंज इन फॉर्म एंड साइज, रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो क्या इसका सही आंसर होगा ये बताएंगे आप, है ना, तो जल्दी से बताइए, 6-5 seconds रिमेनिंग, है ना, मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैम लीडर बोर्ड फटने वाला है, हाँ इस बार लीडर बोर्ड में बहुत कुछ चेंज आने वाला है, और क्योंकि मैम ये देख लो परसेंटेज 91 करा है आज तो कमाल, यस 91%, ओके, तो ये अब देखना है क्या करने वाले हैं लीडर बोर्ड में, क्या कुछ चेंज इस क्वेश्चन की वजह से आने वाला है। 27th क्वेश्चन, यानी लास्ट सेकंड लीडर बोर्ड टाइम, ये लास्ट सेकंड लीडर बोर्ड होगा, इसके बाद तो फाइनल लीडर बोर्ड आ जाएगी, है ना। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड इज कॉल्ड एज, सर मुझे लग रहा है फिर धमाका होगा, फिर धमाका होगा, क्योंकि ये सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनको याद तो रहते ही रहते हैं। हाँ। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैम ये देखना होगा कि अब देख लो विजिबिलिटी सही आ रही है कि अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, कर दिया ना आपका काम सही, है ना, ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे, मेंटीमीटर में नहीं दिख रहा है मैचिंग वाले ऑप्शंस के बाद, ओके, तो मेंटी वाले में नहीं दिख रहा, तो यहां अगर दिख रहा है तो यहां से देख करके आप आंसर जल्दी से वहां पे पोस्ट कर दो, है ना, तो ओके, और लेकिन ये अब तो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आ रही, अब तो सही दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम इज अप, और इसमें भी ग्राफ बहुत ऊपर दिखा है लेकिन 75 पे रुक गया, गुड वन की 75 तो आया। एस्टिमेशन यार, पेटल्स और सेपल्स का जो अरेंजमेंट होता है बड में उसको हम उसका एस्टिमेशन बोलते हैं, फ्लोरल डायग्राम में भी हम उसको ड्रॉ करते हैं, यस, अब देखते हैं क्या होने वाला है, कुछ तो कमाल करके दिखाओ, कमाल कर दिया इन्होंने, रायमा, सारांश, अबिदा, संदीप, निरंजन, प्रिंस जैन, आकांक्षा, आस्था, निशा, नाग, राजू, सर अब तो आप जीते हुए नजर आ रहे हो मुझे, मैम अभी भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि तीन क्वेश्चंस हैं और तीन क्वेश्चंस में चेंज बहुत होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं बता रहा हूं ये लास्ट तीन क्वेश्चंस में अब ये जोश दिखाने वाले हैं, तो एक बार जल्दी से जोश दिखा दो मैम, वो रॉन्ग मार्क था उसका, स्मॉल यूनिट है, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई, राइबोसोम का आई थिंक सो, ओके, तो ठीक है अगर ऐसा है तो अपन चेकआउट करेंगे उसे कि अगर है कोई दिक्कत तो उसे करेक्ट कर देंगे, लेकिन क्योंकि मुझे क्वेश्चन अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है ना, लेकिन अब आप एक चीज तो देखो ध्यान से कि अब वो लास्ट तीन क्वेश्चंस हैं, अगर यहां चाहते हो कि एजे मैम जीते तो लगा दो फुल ऑन जोश, और अगर आप चाहते हो कि मैं जीत जाऊं तो फिर आप जोश लगाइए और अपनी रैंकिंग को ऊपर कीजिए, लेट्स सी क्या होने वाला है। 36 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सर शायद आप उसका एक बार आंसर करेक्ट कर दीजिए, उसका स्मॉलर सब यूनिट ही होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ओके, देख लेते हैं उस क्वेश्चन को, अभी मैं करेक्ट कर दूंगा, आप तब तक इस क्वेश्चन को सही करें,
ए ऑप्शन पे सर स्मॉलर सब यूनिट था. ओके लेट्स लेट्स मी चेक दैट. ओके सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन से घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, अपना लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है. और इसी के साथ वी हैव ओनली 38%. तो बेटा एक इजी क्वेश्चन आता है, एक बॉटनी का क्वेश्चन आता है और फिर आप सब चीजें उल्टी कर देते हो, है ना. तो ऐसा सारी चीजें उल्टी नहीं करना है और इनको सीधा सीधा बकअप करना है, अपने लॉजिक्स के साथ मेंटी को सॉल्व करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. चलिए क्लास सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, 29th क्वेश्चन है और इसमें इस बार बिल्कुल गलत मत करना, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में पॉइंट्स आपको अर्न करना है. फाइनल लीडर बोर्ड आएगा, एंड होने वाला है. अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रूप. इस सर ड्रूप का क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं और ड्रूप वाला पार्ट तो वैसे भी आपको पता होता है. इसमें एक तो मैंगो का एग्जाम्पल आ जाता है. अब तो मैंने इतना बड़ा हिंट दिया इनको कि अब कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना. अब जैसे ये हिंट दे दिया है तो वैसे ही आंसर भी आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा सर, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो आपको बहुत ही सिंपल है. इन लोगों को पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प पता है तो फिर ये सॉल्व कर लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत के बिना ये सॉल्व करेंगे. और फिर सरप्राइज का टाइम भी आ रहा है, मैं तो उसी एक्साइटमेंट में, सरप्राइज आखिर है क्या ऐसा, है ना. 3, 2, 1 टाइम इज अप. लेट्स सी क्या होने वाला है. और यहाँ पे 48% यार, मैंने क्यों मैंगो का एग्जांपल दिया था, गुटली, है ना मैम, आम में जो गुटली होती है वो स्टोनी होती है और वो एंडोकार्प है, क्योंकि मैंगो का मेसोकार्प जो है वो फ्लेशी होता है, तो पेरिकार्प तो बाहर वाला है. यानी यहां से एक और बात मैम रिवील हो गया, एडिएबल पार्ट्स कौन से होते हैं फ्रूट्स के, ये वाला कॉलम भी रिवाइज करके जाना, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना, तो ये वाला पार्ट भी रिवाइज जरूर कर लेना. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 of 30 लास्ट. ओके लास्ट क्वेश्चन, यानी आज पता चलेगा कि अब विनर कौन है आज के मेंटी का, यानी 11th के इस कंप्लीट सिलेबस का सिकंदर कौन निकलता है. क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर, ओके क्वेश्चन नंबर 30 रिपीट हो रहा है क्या. ओके लेट देम आंसर सर. हाँ ठीक है, इसको आंसर करेंगे क्योंकि सबके लिए, कभी कभी बोनस मैम नीट में भी हो जाता है, हाँ, है ना, तो यहां हम तो बोनस दे रहे हैं. ओके तो इसमें तो 100% कर देना, अब लास्ट क्वेश्चन है तो कर लेंगे इसको. अब अगर 100% नहीं किया तो फिर तो क्या ही बोले. हाँ कि आंसर देखो इसमें तो अब कुछ है ही नहीं, मैं तो अभी भी बता दूं आंसर, क्योंकि अभी तो बताया इसका आंसर. हाँ. तो ये एक क्वेश्चन बोनस आ गया है तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें तो 100%, इसमें जानबूझ कर गलत मत कर देना. कर दिया इन्होंने मैम, अब इसमें क्या हो गया, इसमें ऑप्शन ही गलत हो रखा है. क्वेश्चन ये रिपीट कर दीजिए, ऑप्शन भी करेक्ट करते हैं. हाँ ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो जाएगा, तभी मैं वही फाइनल लीडर बोर्ड मत देना. स्मॉल यूनिट वाला सही कर दिया. यस मैं अभी आगे लीडर बोर्ड पे नहीं जाऊंगी. नहीं वो स्मॉल सब क्वेश्चन नंबर क्या है स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम्स वाले का, क्वेश्चन नंबर हैव टू चेक. ओके सो यहां पे यस यस डी राइट होगा, बिल्कुल सही है, डी राइट होगा, डी ही राइट कर रहे हैं, टेक्निकल इश्यू है उसको फिक्स कर रहे हैं और फिर फाइनल लीडर बोर्ड आएगा. फाइनल लीडर बोर्ड आने से पहले मैं बोल रही हूँ सभी फ्रेंड्स को बुला लेना, क्योंकि अब मैं सरप्राइज रिवील करने वाली हूँ. सरप्राइज बहुत 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 धमाकेदार होने वाला है. ऐसा सरप्राइज है जो आज से पहले किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, सोचा भी नहीं होगा कि किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको ये सरप्राइज मिलने वाला है. सो अगर वो सरप्राइज आपको पता करना है तो फटाफट वॉचिंग भी बढ़ाओ, लाइक भी बढ़ाओ. अब मेंटी पे वापस जाना भी नहीं है, मेंटी कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ मुझे वॉचिंग्स बढ़नी चाहिए, शेयर्स बढ़ने चाहिए और एक बार फिर से फायर इमोजी. सरप्राइज के लिए आपके अंदर कितना फायर है वो फायर मुझे चैट बॉक्स में देखना है. Yes, you can attend the classes regularly, Kishore. तो यहाँ पे जब तक चैट बॉक्स में पूरा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 26 है स्मॉल यूनिट वाला. ओके 26 है, थैंक यू फॉर दैट. सो जब तक पूरा चैट बॉक्स जो है वो फायर इमोजी से नहीं भरा हुआ होगा, मैं वो सरप्राइज रिवील नहीं करने वाली हूँ. सरप्राइज बहुत 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 अच्छा सरप्राइज है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. थैंक यू
चलिए फटाफट फटाफट पूरा चैट बॉक्स इमोजी से भरा हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही मैं वो सरप्राइज रिवील करूंगी फाइनल लीडर बोर्ड देखने के बाद। ठीक है, आज तुमने अगर मुझे हरा भी दिया तो भी मैं तुम्हें सरप्राइज बता के जाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए कम ऑन कम ऑन, फाइनल लीडर बोर्ड से पहले सारे करेक्शंस हो रहे हैं, जो एक दो क्वेश्चंस में करेक्शंस थे, अभी भी रॉन्ग दिखा रहा है, बल्कि डी ही किया था। नहीं, वो रॉन्ग नहीं दिखाएगा, हम जब यहाँ पे लीडर बोर्ड करेंगे तब आपको करेक्ट दिखाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे करेक्ट दिखा रहा है 92%। Just give me a second. Yes, so we have corrected all the issues, सारे issues fix हो चुके हैं, and are you guys ready for the final leaderboard? Sir को बुलबुला लेते हैं फटाफट, क्योंकि सर जीतने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो क्या मैम राइमा को पीछे करते हुए सभी आगे निकलेंगे? ओके, चलिए लेट्स सी, चलिए लेट्स सी क्या होने वाला है फाइनल लीडर बोर्ड, क्या करने वाले हो आप सभी? आज दो दो चीजें, एक तो लीडर बोर्ड में कौन टॉप होगा उसकी एक्साइटमेंट है, और एक मैम जो सरप्राइज सरप्राइज कर रही है उसका भी एक्साइटमेंट। ओह माय गॉड, इसलिए मैं कहता हूं ना, फिर से मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैम काम तो शानदार है, संदीप बहुत ही बढ़िया, मतलब सच में मैम कहां से कहां जंप करा है इसने। इसने शुरुआत में बताई थी अपनी रैंकिंग 30 पे थी था, फिर वहां से ये आया 20 के अंदर, फिर आया 10 के अंदर, हमने देखा था इसको बॉटम पे, आग लगा रहा है सर देखो। ओह बहुत ही बिल्कुल लास्ट है, क्या बात है संदीप, आज तो बिल्कुल ही बहुत ही शानदार काम करा है, कांग्रेचुलेशंस आपको भी। यस, अच्छा लग रहा है मैम नाम देख करके, संदीप फ्रॉम आरके गैंग, गुड, बहुत ही बढ़िया, देखो प्राउड वाली फीलिंग आ जाती है और बहुत ही खुशी होती है, सिर्फ मुझे नहीं होती, मैम को भी हो रही है, क्योंकि आप रिजल्ट करते हैं ना तो बहुत मजा आता है, मजा आ जाता है। ओके, तो संदीप ने आज बिल्कुल आग लगा दिया, और देखो जब काम शानदार होता है तो सेलिब्रेशन कितना शानदार होता है, तो आप यही कर सकते हैं। प्रिंस वो क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है बेटा, आपके उधर लेट शो हो रहा होगा, पर यहाँ सिस्टम में तुरंत अपडेट हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन अपडेट हो चुका, वो अपडेट हो चुका है, इट्स गुड दैट आप टॉप 3 में हो, 3rd रैंक है, आई एम हैप्पी फॉर यू। तो यहाँ पे हमारे पास लीडर बोर्ड में है संदीप, अभिदा, then we have Prince मेरे गैंग से, then we have आकांक्षा, रायमा, सारांश, निशा, स्नेहा, आस्था एंड सनशाइन। सो बेसिकली सर और मैं दोनों ही जीत गए, क्योंकि टॉप 3 में हम दोनों की टीम है, और बिल्कुल बहुत ही शानदार करा है, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने काम बहुत शानदार किया आज की लीडर बोर्ड में, मजा क्या आया है बदलता हुआ लीडर बोर्ड दिखते हुए, जो मजा आता है ना कि आप अपने आप में कंपटीशन लेते हो। रायमा शायद लास्ट के 3 क्वेश्चंस में थोड़ा पैनिक कर गई है, जिसकी वजह से उसके ड्रॉप डाउन हुए हैं, लेकिन बाकी सबने तो बिल्कुल आग लगा दिया है, और बहुत ही शानदार। टॉप 10 को भी कांग्रेचुलेशन, जो टॉप नहीं हो पाए, टॉप 10 से बाहर रह गए वो, उन्होंने भी बहुत, क्योंकि बहुत सारे नाम यहाँ पे मैं देख रहे हैं जो कि बहुत शुरुआत से थे, थोड़े मिस आउट हुए हैं, पर काम तो किया है इन्होंने आज। ओके, तो नाउ अब 11th का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, 12th की बुक उठा लेना, 11th में जो जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स तुमको यहाँ से पता चले हैं उनको नोट डाउन करो, उनको रीड करो, उसके नोट्स फिर से पढ़ो और उसको अपने दिमाग में छाप लो, उसकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो तुम्हारा 11th का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए हम तुमको एक दिन और दे रहे हैं कि वहां तक अपना सब कुछ कंप्लीट करो, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 12th का। Yes. तो हम 12th का फिर से यूनिट वाइज मेंटी लेंगे, सो उसके लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, और जो लोग भी सॉरी बोल रहे हैं चैट बॉक्स में, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि मैं वंदना ने भी बिल्कुल सही बोला कि बिल्कुल आपको सॉरी बोलना ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया था आप सभी को कि सॉरी वर्ड आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, है ना। और सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा, सबने बहुत ही शानदार खेल किया है, और अब जो मैम है उनसे मैम सरप्राइज क्या है वो सरप्राइज बता दो। तो सरप्राइज का टाइम आ चुका है, सरप्राइज में सबसे इंटरेस्टिंग चीज, सर खोल दो, मेरी इच्छा नहीं हो रही अभी भी, हम बता दो, मुझे भी जानना है आपने कुछ ऐसा कहा है जिसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा कुछ क्या है।
सो गाइज आप सभी लोग आई थिंक सो पबजी खेले होंगे, पबजी के बाद जब BGMI आया है तो वो भी खेले होंगे, है ना? नहीं मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ कभी नहीं बोलती, ठीक है? तो ये जो गेम्स आपने खेले हैं पबजी BGMI, तो हम वही, आपने कभी किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे ये गेम्स नहीं खेले होंगे, तो हम आपके लिए एक नए तरीके से BGNI लेके आने वाले हैं। उसकी सारी अपडेट्स के लिए आपको चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब करके रखना है, और आपके पास बहुत शानदार से नोटिफिकेशन आने वाले हैं। और ये जो BGNI होगा हमारे ई करियर पॉइंट के चैनल पे, ये आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा, और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए आ सकती है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके सारे नोटिफिकेशंस पढ़े तो। यानी लाइव इंटरैक्टिव क्विज मैम आप कह रहे हो, इसका मतलब है कि इनको भी मौका मिल सकता है फेस बनने का? बिल्कुल, ये भी आ सकते हैं लाइव। हम पबजी की जैसे स्ट्रीमिंग करते हैं या BGNI की जैसे स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है यूट्यूब पे, वैसे ही हम यहाँ पे इंटरैक्टिव क्विज की स्ट्रीमिंग करने वाले हैं, वो भी ऑन द थीम ऑफ BGMI। BGMI की थीम पे हम स्ट्रीमिंग लाएंगे, और जो स्ट्रीमिंग होगी वो एक स्क्वाड में होगी। स्क्वाड मतलब देयर विल बी 4 प्लेयर्स इन द क्विज, और चारों प्लेयर्स आपको यूट्यूब पे दिखाई भी देंगे और सुनाई भी देंगे। यस, यानी कि बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है, यानी कि एक्चुअल आग तो तब लगने वाली है जब वो ये सेशन स्टार्ट होंगे। अब वो सेशन कब स्टार्ट होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए, है ना? और आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए क्योंकि उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, है ना? लेकिन हाँ, एग्जाम की तैयारी में लगे रहना है, और बाकी जो प्रॉब्लम आ रही थी 26 क्वेश्चन के साथ, जिनको विश्वास नहीं हो रहा कि करेक्शन हो गया है, मैम उसके लिए कर रही है कोशिश, तो देखते हैं क्या है। 27th पे आएंगे हम लोग, तो हमें पता चल जाएगा। 26 क्वेश्चन है लेकिन वहां पे 27th पे देखने को मिलेगा। चलो तो बस 2 मिनट रुक जाओ ताकि ये आपको कंफर्म हो जाए कि यस, कि वो कौन सा क्वेश्चन था। देख लो यहां पर ऑप्शन नंबर, अच्छा अभी भी करेक्शन दिखा नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर नहीं सर, ये दूसरा है शायद। ओके, ये दूसरा है, होना चाहिए था ये, तो शायद लास्ट पे दूसरा जो 91 लोगों ने करेक्ट आंसर अच्छा, दिया था। तो एक सेकंड मैं चेक करता हूँ मैम, करके बता दीजिए नंबर क्या है उसका। सर हो गया, करेक्ट हो गया ना? हाँ, ऑप्शन ए 26, ऑप्शन ए। यस प्रिंस, यस, बैटल ग्राउंड नीट इंडिया, वेरी गुड, इसीलिए BGNI बोला है। यस, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, और अब आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं और नेक्स्ट सेशंस के लिए तैयार हो गए। ये मेंटी जीत गया मैं, बिल्कुल कांग्रेचुलेशन सर। तो ठीक है मैम, तो अगला जो 12th का यूनिट स्टार्ट करेंगे ना, वहां से भी वही काम करेंगे कि देखते हैं अगला मेंटी कौन जीतता है। और देखो मैम को अगर जिताना है या मुझे जिताना है, तो हमें पहले से ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कौन किसकी टीम में है, है ना? ताकि हम शुरुआत से ही उसे सपोर्ट तो करें, है ना? पता तो हमें होगी हाँ कौन किसकी टीम में है। तो कमेंट बॉक्स जब वीडियो अपलोड हो जाए उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके जरूर बता दें कि आप किसके टीम से नेक्स्ट मेंटी खेलने वाले हो। और मैं मेंटी कल शायद इनको हम रेस्ट दे रहे हैं ताकि प्रिपेयर करें, रेस्ट नहीं दे रहे हैं, आपको प्रिपरेशन टाइम दे रहे हैं, स्टडी लीव प्रिपरेशन लीव दे रहे हैं, ताकि जो पार्ट इनका 11th का छूट गया है वो छूटा हुआ ना रह जाए। हाँ, ये उसको खत्म कर लें अच्छी तरीके से और 12th के तैयारी में भी लग जाएं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये काम आप करके आएंगे जल्दी से, और हमें चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में, नॉट इन चैट बॉक्स, ये जो चैट बॉक्स चल रही है इसमें बताते हो तो ये क्या है अभी हमें दिख रहा है ना, कमेंट बॉक्स में जब होता है तो कमेंट में हमें रेगुलरली वो दिखेगा, तो हमें पता होगा कि यस कौन किसके टीम में है। आदित्य राज सिंह, थैंक यू सो मच कि आप हमारी किसी की टीम में नहीं है, क्योंकि आप जैसे प्लेयर्स की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप चैनल पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कोई बात नहीं, तो ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखना है और करेंगे, इसके लिए हम लोग अब तैयारी में लग जाइए, है ना? तो मैम इनको तैयारी करने देते हैं और हम इनके लिए कुछ नए नए जो प्लान्स कर रहे हैं वो धीरे धीरे इनको रिवील भी करते रहेंगे। चलिए थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप सभी के साथ। ग्रेट इवनिंग, हैव अ ग्रेट नाइट अहेड, एंड अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। यस, थैंक यू एवरीवन।